लास्ट टॉपिक दैट इज द डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज द वर्ड इज सेइंग इट इज फिंगरप्रिंटिंग है ना, बट दैट ऑफ डीएनए. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज डीएनए प्रोफाइलिंग. सो फिंगरप्रिंटिंग मीन्स एज वी ऑल नो दैट द फिंगरप्रिंट्स ऑफ आर्स, जैसे फिंगरप्रिंट्स है हमारे, यूजुअली हर इंपॉर्टेंट जगह पे हमारे फिंगरप्रिंट्स जो है उनका इम्प्रिंट लिया जाता है ताकि हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमारे साथ हमारे फिंगरप्रिंट्स के साथ बनी रहे. ऐसा बोला जाता है कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो ह्यूमंस में किसी के भी सेम नहीं है. इवन द ट्विन्स दे हैव द डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स, है ना. सो इज द कंसेप्ट विच इज मेंटेन्ड ऑन द डीएनए एज वेल. डीएनए का भी जो सिक्वेंसिंग है वो किसी भी ह्यूमन पर्सन का सेम नहीं है, ठीक है. इट इज नॉट सेम फॉर एनी ऑफ द ह्यूमन पर्सन. दैट इज वाई द टर्म हैज बीन एसोसिएटेड विद द डीएनए, दैट इज फिंगर प्रिंटिंग. इट इज नॉट द फिंगर ओनली विच इज यूज इन दिस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. इट इज द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेकिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ द डीएनए फॉर वेरियस पर्पसेज. द पर्पसेज कैन बी लाइक, जैसे हम लोग बहुत बार सुनते हैं देर आर सम ऑफ द क्रिमिनल डिस्प्यूट्स, है ना. क्रिमिनल डिस्प्यूट्स है, क्रिमिनल साइट पे तीन चार अगर सस्पेक्ट्स प्रेजेंट थे तो उनमें से ओरिजिनल सही वाला क्रिमिनल कौन था, है ना. हु इज द ओरिजिनल यू कैन से पर्सन हु हैज कमिटेड द क्राइम, राइट. सेकेंडली देर आर सम ऑफ द पेरेंटल डिस्प्यूट्स. पेरेंटल डिस्प्यूट्स लाइक द चाइल्ड इज ऑफ दैट फादर ऑफ दैट मदर एंड लाइक दैट, मतलब मेटर्निटी या पेटर्निटी ढूंढने के लिए. सो दीज काइंड ऑफ द केसेस विच आर टेकन दे कैन बी सॉल्व विद द फुल फ्लेज प्रूफ टू दिस प्रिंट्स दैट इज द डीएनए फिंगरप्रिंट्स. ओके, सो डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग करवा के ऐसे वाले जो डिस्प्यूट्स हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियरली सस्पेक्ट्स को, क्रिमिनल्स को, क्रिमिनल साइट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है. सो वट इज देयर इज एंड हाउ इज दिस डन, हाउ इज दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डन. The DNA fingerprinting is done in the several of the steps. What are those steps? Kindly note it down. Number one is, first is we are to take the source. That is from where you have to filter out or from where you have to separate out this DNA. जहाँ से आपको लेना है. For example, जैसे हम criminal site की बात करते हैं and there is कि जो तीन चार लोग हैं जिनके ऊपर शक है कि हाँ जी इनमें से कोई criminal हो सकता है original, they are the suspects, right? तो वो तीनों चारों लोगों का अलग अलग sample जो है वो collect कर लिया जाता है. That is, they can collect the sample in the form of the blood smear. Okay, they can collect the hair. They can collect the hair from the site of the crime. है ना, जो blood smear site of the crime पे होता है वहाँ पे से ले सकते हैं. Saliva ले सकते हैं. ठीक है, तो any kind of these skin tissue अगर available है, तो any kind of these first they are collected. That is the source of this DNA. Source of the DNA is collected and that can be taken from any of these samples find, that is if they have the blood smear or the hairs which are present at the site or there is any tissue like that of the skin tissue is there or some saliva or some other exudates are there, so they can collect that particular source, okay, from where we are to extract the DNA, right. Ab DNA hume nikalna hai. Next is the extraction of the DNA. From here, from these, any of these sources, we have to extract the DNA. So this is the next step, extraction of DNA. How is the DNA extracted? This is extracted by providing ultracentrifugation. We can write that high speed refrigerated ultracentrifugation is provided. You can write it down. This is high speed ultracentrifugation, refrigerated, that is under the low temperatures. So this is done by exposing the DNA, the source of the DNA, to the high speed refrigerated ultra centrifugation. What is centrifugation? Centrifugation kya hota hai, anyone? What is centrifugation? Centrifugation means it is to rotate. Right, we are to rotate it at a very high speed. Okay, the rotations are made to this any of the samples. Let's say blood is a sample. ठीक है, then यहाँ से हमने क्या किया? Rotations करी. और rotation से क्या होगा? When it is very highly rotated, मतलब high speed rotations आती हैं, तो क्या होगा? जो cells हैं उसके अंदर, they will be breaking up their walls. You know, the cell nuclei will also be breaking up their walls because of the movements, high speed movements. उसकी वजह से जब nuclear membrane टूट जाएगा, तो DNA जो है वो cell पूरा सेलुलर
जो पूल है उसमें से ये अलग सेपरेट होना शुरू हो जाता है, तो डीएनए एज अ होल हमारे पास अलग अलग आ जाएंगे। डीएनए को सबसे पहले हमने एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ द डीएनए वी हैव टू एक्सट्रैक्ट आउट द दिस पर्टिकुलर डीएनए, ठीक है, सोर्स में से डीएनए को अभी तक हमने निकाला। अगर हमारे पास सोर्स बहुत थोड़ा अवेलेबल है, लेट से बहुत ही एक ड्रॉप ऑफ ब्लड ही सिर्फ मिला है ना, इट इज अ वेरी लेस अमाउंट, वन स्मॉल सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, उसमें से डीएनए निकाला, दैट वाज आल्सो वेरी स्मॉल, राइट। तो स्मॉल अमाउंट अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, इसकी डीएनए की कॉपीज जनरेट करवा लेंगे सबसे पहले, ताकि अगर हमारे इस पूरे प्रोसेस ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग में अगर कोई गड़बड़ होती है देन वी शुड हैव एन एक्स्ट्रा सैंपल ऑफ द डीएनए, ठीक है। सो दैट इज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए बिकॉज इट वॉज फाउंड इन द स्मॉल अमाउंट सो वी हैव एम्प्लीफाइड इट, amplified means we have created its more number of the copies, and this can be done through a technique that is called as PCR. You will be studying about this PCR, that is polymerase chain reaction, in details in the next unit, that is of biotechnology, next to next fourth unit mein biotech mein ye pura process hai aapko. PCR stands for polymerase chain reaction. In this polymerase chain reaction there are three steps, that is denaturation, meaning an extension, because of which the DNA two strands, first of all let's say the two strands are there, theek hai, ye do strands pehle separate kiye jate hain, that is denaturation is done, then there are primers which are added to the opposite ends, right, the primers they extend, matlab wo apni ek ek copy jo hai wo banate rahenge, and hence we get two of the DNAs from one. तो ऐसे ही आगे आगे बहुत बार इसका साइकिल रिपीट करके एम्प्लीफिकेशन जो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ थ्रू द टेक्निक ऑफ पीसीआर दैट कैन बी मेंटेन्ड, ओके, क्लियर। सो देयर इज नंबर ऑफ द न्यूमरस ऑफ द कॉपीज विच विल बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक दैट इज पीसीआर एंड दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, आफ्टर दिस वी हैव रिसीव्ड द फुल फ्लेज्ड डीएनए बट वी नो दैट द डीएनए इज ऑफ द गुड लेंथ, मतलब उसकी बहुत बड़ी लेंथ होती है डीएनए की, अगर हमें मिल गया है पूरा का पूरा तो हम एज अ होल डीएनए को इकट्ठा रख के उसको एक साथ एसोसिएटेड रख के पूरा लेंथ में हम उसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हमें उसके छोटे छोटे से पार्ट्स चाहिए हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स चाहिए हैं, एंड हेंस द फ्रेगमेंटेशन इज डन, द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डीएनए इज डन टू गेट द वीएनटीआरस, वी डिस्कस्ड द वीएनटीआरस यस्टरडे, हु विल टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ वीएनटीआर, यस, हाँ जी, who will tell me the full form of VNTR? The small fragments of the DNA, they are called as the VNTRs. No one, very bad. Yesterday only I wrote this full form. That is the variable number tandem repeats. These are variable number tandem repeats. What are these? होते क्या हैं ये VNTRs? DNA के smaller fragments, that which consists of only 11 to 60 of the base pairs, ठीक है, not in hundreds, it is the 11 to 60 base pairs. When the fragments they are broken in such a manner that they lead to the small fragments of the DNA, that is it is called as the VNTRs. The smaller fragments obtained hence are called as VNTRs. How they are obtained? How we will be doing this fragmentation? This is done with the help of specialized enzymes, which are site-specific enzymes. मतलब उनके लिए sites उनकी specialized होती हैं, उन्होंने उसके according ही काम करना होता है, and they are called as a restriction enzymes, or betterly called as restriction endonucleases. ये भी सारा आप पढ़ेंगे biotechnology में. What are the examples of restriction endonucleases? How they have been named and how do they provide their action? ठीक है, what is their site specificity? जो मैंने अभी बोला ना, these are the site specific type of enzymes. तो ये restriction endonucleases हैं, they are restricted to work at special sites only. ठीक है, so these type of the enzymes they are taken to provide the DNA fragments, and the smaller fragments that we obtain that are called as a VNTRs, right? अब हमारे पास छोटे-छोटे fragments available हो गए DNA के. Now we need to separate out all the fragments, है ना? अब हमें इनको separate करना है और इनको एक सीरियल ऑर्डर में प्लेस करना है, सो दैट वी कैन लुक ऑन दीज पर्टिकुलर, वी कैन ऑब्जर्व ऑन दीज पर्टिकुलर सीक्वेंसेस
इन एन इजी मैनर, है ना। ऐसे पड़े रहेंगे रैंडमली तो आप एक को ही कितनी बार देखोगे, एक ही फ्रेगमेंट को कितनी बार आप लोग देखोगे। तो उनको अलग करने के लिए, उनको एक प्रॉपर सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज करने के लिए, नेक्स्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज पर्टिकुलर वी एन डी आर इन द प्रॉपर सेगमेंट इन द प्रॉपर सिक्वेंसेज, एंड दैट इज डन थ्रू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगेन दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द टेक्निक विच इज यूज इन बायोटेक्नोलॉजी अगेन। ओके, सो राइट डाउन द हेडिंग फॉर दिस, दैट इज सेपरेशन ऑफ दिस वी एन डी आर। बी एन डी आर को सेपरेट कर देना है अब हमने, और इनको सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है। हाउ इट इज डन, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द टेक्निक विच इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। द टेक्निक इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ व्हाट इज दिस टेक्निक एंड हाउ इट वर्क्स, जस्ट आई एम गिविंग यू अ लेआउट फॉर दिस। देयर इज अ जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट, दिस इज अ यूनिट, दिस इज अ स्मॉल टबलाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक छोटा सा इतना सा टबलाइक स्ट्रक्चर है, बीच में से थोड़ा हॉलो है जैसे टब्स होते हैं, ठीक है। एंड ऑन वन साइड दे हैव द वेल्स, ठीक है, ऐसा इसके अंदर वेल्स प्रेजेंट है ऑन वन साइड ऑफ दिस इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट। ओके, एंड इट इज ऑल एम्प्टी, बाकी इसका सारा एम्प्टी है, खाली है। जब हमने ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाना है, दिस इज ऑल्सो ऑपरेटेड थ्रू द electricity, okay, this is having the electrical charge provided and this operates through the electricity. Okay, now what is done is with the help of the micro pipettes hoti hain, jaise aap pipettes use karte hain chemistry lab mein, I hope aap logon ne dekhi hongi kabhi pipettes, to wo pipettes jo hoti hain they are the big size pipettes, but we have for these smaller samples that of the DNA we have micro pipettes, gun like hoti hain, gun ki tarah, theek hai, जैसे वो वीडियो गेम्स की गन्स के साथ आप खेलते हो ना, वैसा वाला गन लाइक तरह ये छोटा सा होता है। सो दीज आर द माइक्रो पिपेट्स। इसमें क्या किया जाता है, माइक्रो पिपेट्स में पूरा पहले मटेरियल जो है लोड कर लिया जाता है। लोड मींस उसके अंदर जैसे इंजेक्शंस के अंदर फिल करते हैं, वैसे ही माइक्रो पिपेट्स में फिल कर लिया जाता है डीएनए का सैंपल। उसके बाद थ्रू द माइक्रो पिपेट्स ओनली दिस इज लोडेड विद इन द वेल्स, ठीक है। इसको बाद में माइक्रो पिपेट से लोड करवा देते हैं वेल्स में, सारा डीएनए मटीरियल यहाँ आ गया। जो नीचे ये खाली जगह है ये सारा का सारा जेली मटेरियल से एग्रोज जेल के साथ इसको फिल कर दिया जाता है। नाउ व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी रन्स देन व्हाट हैपेंस, देयर इज अ रीलोकेशन ऑफ ऑल द डीएनएज फ्रॉम हियर, ठीक है। रीलोकेट हो जाते हैं सारे के सारे जो इसमें फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के। सो ये इस तरह से फ्रेगमेंट्स जो हैं ये दूर दूर डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी हाउ दे मूव लाइक दिस, दे कैन मूव from the well like this, ठीक है। ये separate out हो गए, देखो सारे fragments, है ना, depending upon how denser they were and depending upon the charges they are carrying, DNA is negatively charged, we know that, है ना, so that is because of the electricity, the electrical poles, these all fragments they get separated, okay, clear, so this is what, this is the separation of the VNTRs, अब हमारे पास ये सारे separated fragments आ गए। अब आप अगर किसी को ऑब्जर्व करोगे या स्टडी करोगे, यू विल बी इजी टू डू दैट, है ना। नाउ आफ्टर दिस, अभी तक हमारे पास जो वीएनटीआर चल रहे थे वो डीएनए एज सच था, है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कलेक्ट किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर एम्पलीफाई कर दिया, फिर उसके बाद उसको फ्रेगमेंट कर दिया, और अब हमने उसके छोटे छोटे से पार्ट जो है वो सेपरेट आउट करे, पर एवरी पार्ट इज व्हाट, डबल स्ट्रैंडेड। नाउ वी आर टू मेक इट द सिंगल स्ट्रैंडेड वीएनटीआर, नाउ वी आर टू बिल्ड द सिंगल स्ट्रैंडेड वी एन टी आर्स। दिस इज बिकॉज आगे जाके हम इन वी एन टी आर्स की रेडियो एक्टिव डीएनए के साथ इसको हम क्या है पेयर करवा सके और ऑब्जर्वेशन में इजी रहे, क्योंकि डीएनए को नेकेड आई से देख पाना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे भी डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग हो गए, हम कैसे देखते हैं इसको, कैसे व्यू करते हैं, दैट इज डन बाई यूजिंग अ डाई विच इज कॉल्ड एज इथीडियम ब्रोमाइड। You can write that this is using a dye, ethidium bromide. इसके अंदर हमने dye डाल दिया ethidium bromide का, ये carcinogenic होता है ये। और उसके बाद जब हम इसको X-rays के साथ, मतलब UV radiation, not sorry, X-rays के साथ नहीं, UV radiation के साथ जब इसको expose करवाते हैं, तो ये सारे fragments जो हैं, ये bright fluorescent colors में हमें visible होते हैं। तब हम इनको व्यू कर पाते हैं, अदरवाइज व्यूइंग द डीएनए विद द नेकेड आई दैट इज नॉट पॉसिबल।
तो सिंगल स्टैंडर्ड VNTRs बनाने हैं. अब ये कैसे बनेंगे सिंगल स्टैंडर्ड? दैट इज ट्रीटिंग द VNTRs विद सम एल्कलाइन केमिकल्स. यूजिंग एल्कलाइन केमिकल्स दे विल बी यूजिंग द एल्कलाइन केमिकल्स दे विल बी सेपरेटिंग आउट द डबल स्टैंडर्ड VNTRs इनटू द सिंगल स्टैंडर्ड VNTRs. पहले ये इस तरह से डबल स्टैंडर्ड थे. That is, they were having their bonds in between. Now, using the alkaline material, the bond has been broken, and hence we attain the VNTRs, which are single stranded. So, अलग-अलग हो गए. इसके सारे strands जो हैं, वो इस तरह से VNTRs के single strand हो जाएंगे, अलग-अलग हो गए. ठीक है? So that is the making up of the single stranded VNTRs. Now, next is we are to make its copy. अब हमने इसका copy generate करना है, copy create करना है. कॉपी किस तरह से करेंगे इसको हम, ताकि हम इसको बाद में डीएनए प्रोब्स के साथ ट्रीट कर सके. तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इज सदर्न ब्लॉटिंग. वी विल बी एक्चुअली इम्प्रिंटिंग और वी विल बी टेकिंग दीज VNTRs. इन VNTRs को हमने इम्प्रिंट कर लेना है ऑन सम नाइलॉन शीट्स. ठीक है? दिस इज द सदर्न ब्लॉटिंग इज द नेक्स्ट टेक्निक. For southern blotting, we use nylon membrane, or these are the synthetic type of the membranes which are synthesized artificially, or we use nitrocellulose. ठीक है, nitrocellulosic membrane लेंगे या nylon membrane लेंगे. तो उसके साथ हमने क्या दिया, अभी देखो, these were all the VNTRs which are single stranded now and they are present over the gel. ठीक है, अब जेल के ऊपर पड़े हैं, सिंगल स्टैंडर्ड हो चुके हैं, सारे अलग हो गए हैं. अब हमने क्या करना है, सिंपल एक नायलॉन शीट लिया, ये वाला नायलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज लिया, और इसको हमने इसके ऊपर रख देना है जेल के ऊपर इस तरह से. ठीक है, जितने डीएनए थे उसके ऊपर वो सारे प्रिंट हो जाएंगे. कहाँ? नायलॉन मेम्ब्रेन के. ठीक है, जब इसके ऊपर रखा तो सारे इम्प्रिंट हो गए यहाँ पे. डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड वाले VNTRs नायलॉन मेम्ब्रेन के पास आ गए, एंड नाउ वी हैव गॉट इट ऑन द नायलॉन मेम्ब्रेन, नॉट इन द जेल. Okay, so that is called as southern blotting. Southern blotting is nothing with the direction. This is with the person who has identified or used this particular technique for the first time, right? Next is, सारे DNAs जो हैं हमारे पास, single stranded VNTR, sorry, जो हैं, ये सारे available हो गए हैं and they are now on the sheet, that is on the nylon membrane. अब हमने इसको ट्रीट करवाना है विद द डीएनए प्रोब्स. ठीक है, डीएनए प्रोब्स क्या है? ये सिंथेटिक रेडियो एक्टिव डीएनए मटेरियल्स हैं, एंड दीज आर द स्मॉल साइज्ड, दीज आर स्मॉल साइज्ड बट सिंथेटिक रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए. क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, सिंथेटिक है, प्लस दूसरा VNTR सिंगल स्टैंडर्ड है. अभी हमने सिंगल स्टैंडर्ड बनाया था, इनकी कॉम्प्लीमेंट्री साइड्स ओपन पड़ी हैं. ठीक है, तो जब ही हम इनको, जो हमारा नाइलॉन शीट है, अब हमने क्या किया, एक बाथ, दैट इज केमिकल्स का कलेक्शन, उसके अंदर ये डीएनए प्रोब्स पड़े हैं, प्रोब्स. ठीक है, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स पड़े हैं. हमने क्या किया, हमारा सिंपल जो हमारा नाइलॉन शीट था उसको वापस लेके जाके हमने उस जो बाथ है उसके ऊपर हमने एक्सपोज कर देना. ठीक है, सारे VNTRs चले गए उस बाथ के अंदर और जो डीएनए प्रोब्स हैं वो ऑलरेडी वहां पड़े थे. डीएनए प्रोब्स और ये VNTRs जो सिंगल स्ट्रैंडेड हैं, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेंगे, एंड हेंस दे विल बी गेटिंग हाइब्रिडाइज्ड. जब हमने डीएनए प्रोब्स को इसको एक्सपोज कर दिया, नाउ दे विल बी मेकिंग अ पेयर. द पेयर विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट हाइब्रिडाइजेशन? दिस इज वन स्ट्रैंड ऑफ द VNTR. And then there is a strand of the DNA probes. ठीक है, तो ये DNA probes ले लिए जो इसके साथ complementary base pairing करेंगे. Let's say ये डाफिन कर दिया मैंने, और ये इसके साथ एक पूरा नवा full fledged DNA double stranded फिर से बन गया. जब ये DNA double stranded बन गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, this is the structure which has been obtained by hybridization. Hybridization में क्या क्या हमारे पास आया, DNA probe आया और साथ में पेयरिंग हो गया, ये रेडियोएक्टिव मटेरियल था और साथ में आया VNTR. ठीक है, तो ये दोनों चीजें
बन गई, जुड़ गई, राइट, हाइब्रिडाइज हो गई. नाउ द लास्ट स्टेप आफ्टर दिस दैट इज ऑफ द एक्सपोजर टू द एक्स रेज. अब लास्ट में हमने क्या करना है, एक्स रेडिएशन, एक्स रेज जो है हमारे पास, दिस इज आवर लास्ट 10th स्टेप, एक्सपोजर टू एक्स रेज. हाइब्रिडाइज्ड डीएनए और वीएनडीआर जो हैं, इनको अब हम जब एक्सपोज करेंगे टू द एक्स रेज, दे विल बी रिजल्टिंग इनटू द डार्क बैंड्स विच विल बी यू कैन से जो जुड़ गए हैं प्रोब के साथ, रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ, जिन्होंने पेयरिंग कर दी है वो सारे डार्क बैंड्स की तरह नजर आने शुरू हो जाएंगे, और जो नहीं जुड़ पाए हैं दे विल बी लेफ्ट एज सच. ठीक है, तो वहां से हमारे पास ये सिंथेसाइज वे में हमें ये पता चलेगा कि कितनी पेयरिंग हुई है. पेयरिंग मतलब जो हमने स्टार्टिंग में क्रिमिनल्स का, सस्पेक्ट्स का, जो हमने स्टार्टिंग में एक सैंपल लिया था, वो कितना का पेयर अप होके उस साइट के सैंपल से मैच कर पाया. ठीक है, दो सैंपल्स आपने अलग अलग लिए, एक तो सस्पेक्ट का लिया, एक अपने साइट से लिया, दोनों में कितना मैचिंग आया है, क्योंकि वो एक्सरे रेडिएशन के साथ एक्सपोज किया जाएगा और उसके बाद वो हमें क्लियर पोजिशन बताएगा कि ये सारे डीएनए हैं जो कि सिमिलर बैंड पे आ रहे हैं. ठीक है, एंड हेंस दे आर रिजल्टिंग इन टू द match of that particular suspect who is actually a criminal. ठीक है, तो ये इस तरह से ये पूरे steps इसके follow करे जाते हैं. This is a very important question of this DNA fingerprinting, DNA profiling. ठीक है, so this is the whole you can say technology that which is used in identifying the disputes of the paternity or the maternity and identifying the criminals that is at the फोरेंसिक साइंसेज, फोरेंसिक लैब्स जो है हमारी, उनमें ये यूज की जाती है टेक्निक्स. सो दैट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइल. नाउ विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर ऑल्सो एंड द सिलेबस, नॉट द सिलेबस बट द चैप्टर वी हैव फिनिश्ड. एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन, डोंट लीव प्लीज.